छपरा के जलालपुर हाई स्कूल में छात्र की हत्या मामले में मृत छात्र के गांव भटकेसरी पहुंचे सारण एसपी संतोष कुमार ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यदि इसमें कोई शामिल है तो उन पर भी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं कार्यभार संभालते ही एसपी संतोष कुमार भटकेसरी गांव पहुंचे और लोगों को अफवाह से बचने की अपील की। वहीं इस घटना के बाद भटकेसरी बाजार के दुकानदारों ने दुकान बंद कर रखा है। घटना को लेकर स्थानीय बुद्धिजीवियों व जनप्रतिनिधियों ने शोक सभा भी की है। घटना के बाद पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील है। इस मामले में परिजनों ने कुल 7 युवकों को आरोपित बताया है, जिसमें से पुलिस ने 2 आरोपियों की तत्काल ही गिरफ्तारी कर ली, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दें। घटना में शामिल सभी दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये घटना जो कारित हुई थी, जैसा अभी तक प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है, जो 10th क्लास के बच्चे थे उनमें आपसी विवाद हुआ था और स्कूल कैंपस में ये घटना कारित हुई थी परसों। उसके बाद जो है जिन लड़कों के बीच में हुई थी और जिन्होंने चाकू मारा था, 2 गिरफ्तारियां इसमें हो गई है, प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, कई अन्य लोगों का भी नाम इसमें दिया गया है, उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं और इसमें परोक्ष तौर पर या अपरोक्ष तौर पर किसी भी की भी संलिप्तता होगी तो उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ इस घटना को लेकर के कुछ लोग जो है माहौल बिगाड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस घटना में जो पीड़ित पक्ष है, जो मृतक पक्ष है, वो हिंदू है और दूसरा पक्ष जो है, जो लड़के इस घटना को कारित कर रहे हैं, मुस्लिम थे। हालांकि दोनों एक ही क्लास के थे, एक ही स्कूल के थे और दोनों दोस्त थे और किसी बात को लेकर के विवाद हुआ जो कि इस घटना के रूप में परिणत हुआ। परंतु कुछ लोग इसको सांप्रदायिक स्वरूप दे रहे हैं और कई तरह की गतिविधि में, चाहे वो कैंपेन हो या फिर जाके कोई घटना कारित करने का, तरह तरह का प्रयास कर रहे हैं कि ये घटना को हम सांप्रदायिक रूप दें। तो ऐसे तत्वों को भी मेरा स्पष्ट पूरी तरह से है कि अगर इस तरह की घटना में कोई भी शामिल होता है, प्रत्यक्ष तौर पर अप्रत्यक्ष तौर पर, उस पर भी हम लोग कड़ी निगाह रखे हुए हैं। एक एक व्यक्ति को चुन करके उस पर कार्रवाई होगी और सभी से यही आग्रह है, जो आम लोग हैं, जो समाज के आम लोग हैं, जो समाज के शांति प्रिय लोग हैं, उनसे हमारी यही गुजारिश है कि इस तरह के भ्रामक चीज़ों में, अफवाहों में ना आए, शांति बहाली में, शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें, समाज में आपसी भाईचारा कायम रखें और हम लोग निश्चित तौर पर जो घटना हुई है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन दूसरे तरह की जो बात लोग कर रहे हैं उस पर भी हमारी नजर है और इस तरह के तत्वों पर भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।